अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं ऑरेंज पुडिंग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये पुडिंग बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैं 5 पीस ब्रेड लिया है यहाँ पर, और इसे मैं अभी एक मिक्सर जार पर तोड़ के डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ब्रेड और बाकी जितना इंग्रेडिएंट्स है। तो अभी मैं इसमें 2 कप दूध डाल रही हूँ और 2 अंडे डाल रही हूँ और 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ और यहाँ पे 1/2 कप फ्रेश ऑरेंज जूस लिया है। आप चाहे तो पैकेट ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं। और अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऑरेंज जेस्ट मिलाऊंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तभी इसे मैं ब्लेंड करूंगी। तो देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो अभी मैं सारे मिक्सर को एक माइक्रोवेव से बोल पर डालूंगी। तो आप कोई भी माइक्रोवेव से बोल ले सकते हैं, मैं इसे माइक्रोवेव पर बनाऊंगी। आप चाहे तो इसे स्टीम कर सकते हैं। और अभी मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट छिड़क रही हूँ, इससे और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप चाहे इसे स्टीम कर सकते हैं। मैं माइक्रोवेव पर सिर्फ 5 मिनट के लिए अभी इसे रखूँगी। बहुत जल्दी बन जाता है ये, सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है। तो ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने निकाल लिया है पुडिंग। ये बिल्कुल तैयार है अभी पुडिंग। इसे अभी ठंडा करना है और प्लेट में निकाल के गार्निश करना है। तो ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है और गार्निश कर लिया है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।